गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आज हम निकल चुके हैं, आगरा जा रहे हैं भाई अपने काम से, और कैंटीन भी चले आए हैं, थोड़ा सामान वामान ले आए हैं। तो ये हमारे बड़े भाई हैं, हाय बोल दो हमारी ऑडियंस को भैया। और कैसे हैं सब? सब बढ़िया हैं। हम अपनी क्रेटा लेके निकल चुके हैं भाई, बारिश बहुत हो रही है। मैं आपको एक बार पीछे से व्यू दिखाता हूँ, पीछे से व्यू कैसा आ रहा है। ये है, देख सकते हो आप लोग, खतरनाक बारिश हो रही है और रोड पे भाई जानवर वगैरह भी घूमते रहते हैं। देख सकते हो ये देख सकते हो भाई, नीम पलट गया इधर। बाकी का हम निकल रहे हैं, हम थोड़ा, हमें अर्जेंट काम है भाई, इस करके जा रहे हैं हम, वैसे बारिश में हम जाते नहीं। और भाई आरे का सारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम बोल दो। और भाई बिहारी जी के दर्शन कर लो, ये भाई बिहारी जी हमारे, देखते हो आप लोग, 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है भाई, देखते हो आप लोग। भाई ये हमारे गांव का कट है, और ये भाई मेन हाईवे है, ये मेन हाईवे NH-19, और ये हमारे गांव का कट है भाई। ये हाईवे भाई कानपुर से फरीदाबाद दिल्ली तक जाता है सीधा, कलकत्ता तक जाता है आगे भाई। और हम अपने गांव की तरफ मुड़ चुके हैं भाई, और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ये भाई हमारा गांव, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार हम आ चुके अपने गांव में, तो भाई पहला दूसरा घर हमारा ही पड़ जाता है। ये भाई अपना खेत है, ये वाला भाई, यहाँ से लेके पीछे पेड़ तक, अभी आपको बारिश के कारण दिख नहीं रहा होगा। और बस भाई पहुँच गए हम लोग, और भाई वहाँ पे भी दो खेत छोड़ के भी अपना ही खेत लग जाता है भाई यहाँ पे। ये हमारे गांव का स्कूल है भाई, प्राइमरी स्कूल ही होता है। और ये भाई आपके भाई का नया घर बनना है, एक देख सकते हो भाई, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये भाई बनना है, प्लास्टर का काम चल रहा है इसमें। ये भाई बनवा दिया हमने नया घर एक और गाँव में, और ये अपना भाई यहाँ से लेके पीछे तक, वहाँ तक, पीपरा तक भाई अपना ही खेत है पूरा, बहुत बड़ा। और ये अपना पुराना घर है भाई, ये देख सकते हो आप लोग, इसमें भाई बायरा खड़ा है पूरे में। अभी गांव में आ गए भाई, गाड़ी वगैरह मोड़ लेंगे फिर हम चलते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे की तरफ। अभी हम अपने गांव पहुंच चुके हैं, और भाई हमने अपनी क्रेटा खड़ी कर ली यहाँ पे। ये हमारे गांव का घर है भाई, पुराना वाला, जो भाई पहले था, ये गाँव का घर है पुराना वाला, और नया वाला वो बनना है, देख सकते हो आप लोग, वो बनना है नया, जहाँ ये ड्रम नहीं रखा है, ये नया बनना है भाई, इसको भी दिखाऊँगा आपको। और भाई अभी गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, और अभी हम निकलेंगे आगरा के लिए, ठीक है। बारिश हो रही है, तो भाई हमें 2-3 अर्जेंट काम पड़ गए हैं, इस करके जाना पड़ रहा है, वैसे हम जाते नहीं बारिश में, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है भाई। और ये जो गाड़ी में बच्चे जा रहे थे, देख रहे थे भैया क्या कर रहे हैं। देख भाई मौसम बड़ा क्लियर है। तो भाई हाईवे पर पहुँच चुके हैं हम, और बारिश चल रही है लगातार। तो भाई हम पहुँच चुके हैं आगरा, और भाई अभी हम जाएंगे कैंटीन, सामान वगैरह लेंगे थोड़ा बहुत, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे भी। तो भाई हम आ रखे हैं आगरा, और भाई हमारे यहाँ से गाड़ी चल गई है, देख सकते हो आप लोग, 90.5 किलोमीटर चल गई है, आप देख सकते हो आपके सामने है, 90.5 किलोमीटर चल गई है, डिस्टेंस कवर किया हमने, और भाई माइलेज निकाला है इसने 19.5 किलोमीटर पर लीटर का, ये आपको दिख रहा होगा सामने, देख सकते हो भाई। और अभी डीजल है, पेट्रोल 178 किलोमीटर चल जाएगी अभी। ये जो आपको सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं दिल्ली गेट बोलते हैं इसको, और ये भाई आगरा में है। तो भाई साफ सफाई देख सकते हो आप लोग, ये भाई कैंट रोड है आगरा की, और एकदम शांति भी है भाई यहाँ पे। तो भाई हमने सामान ले लिया है, देख सकते हो आप लोग, एक बोरी, एक बैग अंदर रखा है हमारा, और ये ऊपर पड़ा है सारा फुल भाई कैंटीन से। अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ, और भाई ये रहा हमारा आर्मी स्कूल, देखते हो आप, आर्मी स्कूल आगरा। अब हम निकलते हैं घर की तरफ भाई, अपनी गाड़ी लेके। ये भाई अपने आर्मी का टैंक आ गया है, देख सकते हो आप लोग, और ये चौक है, और यहाँ से अगर राइट जाओगे तो राइट भी जा सकते हो, और सीधे जाओगे तो सीधे भी जा सकते हो। तो भाई अभी हम सीधे की तरफ चल जाएंगे, और ये अब महारानी लक्ष्मी बाई जी
की मूर्ति। थोड़ा बहुत भाई ट्रैफिक लग गया है, तो भाई हम सामान वगैरह खरीद लिया हमने, और दीदी वगैरह और भाई वगैरह कुछ और सामान लेने गए, हम गाड़ी में बैठे। पार्किंग की थोड़ी सी समस्या है, कोई कोई जगह थोड़ी बहुत पार्किंग की समस्या है, बाकी आगरा में सही है, काफ़ी जगह वगैरह है। बस मुझे दो एक जगह थोड़ी सी पार्किंग की समस्या लगी, बाकी का कहीं नहीं है। बाकी ठीक है भाई, आप लोग आ सकते हो, घूम सकते हो आके। बाकी हम आपको किसी और दिन दिखाएंगे, ताजमहल, रेड फोर्ट और फतेहपुर सीकरी जाएंगे, तब हम आपके लिए पूरा व्लॉग बनाएंगे, दो तीन जगह का घूम घूम के उस दिन दिखाएंगे। आज तो थोड़ा काम से आए थे, सामान वगैरह खरीद लिया, अभी निकलते हैं घर की तरफ, ठीक है। और अभी व्लॉग कंटिन्यू रहेगा भाई, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और भाई जिन लोगों को नई नई गाड़ियों का शौक है ना, नई नई बड़ी बड़ी गाड़ियों का, जी वैगन हो गई और डिफेंडर हो गई और मर्सिडीज GLS 400D हो गई, तो भाई ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों की मैंने नई नई वीडियो बना के डाल दी है मेरे चैनल पे। मेरा एक और चैनल है IAM Bobby Drive 222, और बॉबी यादव आप सर्च करोगे तो उस पर आ जाएगा भाई, तो उस पर आप जाके सब्सक्राइब कर देना और आपको चैनल मिल जाएगा। तो भाई अभी अपने सब्सक्राइबर उस पर 77K सब्सक्राइबर हैं उस पर अपने, तो आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना भाई, अपने 100K पहुँच जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो तब तक आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा, हम चलते हैं आगे की तरफ, फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो भाई ये आई लव आगरा लिखा हुआ है और ये भगवान टाकीज वाले चौराहे पे पड़ जाता है भाई, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो भाई अगर आप लोग चलते फिरते देखना चाहो वैसे ही तो देख सकते हो। और भीड़ काफ़ी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई, और ये वाला रोड सीधा निकल जाता है भाई कानपुर होते हुए और आगे तक चला जाता है। तो भाई हम निकल चुके हैं और रात हो गई भाई काफ़ी, भाई रात भी हो गई है और भाई बारिश भी चल रही है आपके सामने, और हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। तो भाई हम अपने घर पे आ गए हैं, और भाई व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। भाई समझ नहीं आ रहा था कैसे ख़त्म करूँ, फिर मैंने सोचा बाकी पार्ट तो शूट कर लिया था, थोड़ा बहुत रह गया था, तो हमने कहा ये भी शूट कर लेते हैं, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आपके भाई ने लिए हैं, तो भाई जब भी आप फ़ोटो वगैरह लेते हो तो भाई आप ना क्लोज शूट लिया करो, तो उससे क्लियरिटी और पिक्चर बहुत अच्छी आती है दोनों चीज़। आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।